पांच गोपियों ने जब कन्हैया को घेर लिया, कन्हैया जितना प्रेम तुम राधा से करते हो हमसे क्यों नहीं करते, तो कन्हैया ने गोपियों से बोला, गोपियों मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। गोपियां कहकर चली गई। कन्हैया पूरी रात बेचैन रहा कि गोपियों ने कैसा सवाल किया है, जितना प्रेम राधा से करते हो हमसे क्यों नहीं करते। तो कन्हैया ने सुबह उठकर एक लीला रची। क्या रची? एक लीला। गोपियों को बुलाया, अरे गोपी धराओ। सारी गोपियां आ गई और बोली, क्या हुआ कन्हैया? जब गोपियों ने पूछा क्या हुआ कन्हैया, तो कन्हैया ने लीला रची थी पेट दर्द की। पेट दर्द का बहाना किया और खटिया पे लेट गए। कहां पर लेट गए? खटिया पर। जो जा रहा है इन्हें ध्यान ही मत दो, जो सुनेगा वो पाएगा वरना खाली जाएगा। सच्चे दरबार की जय। जब पूछ लिया तो कन्हैया ने बोला, पेट का दर्द हुआ है, जाओ और मेरे लिए दवाई लेकर आओ। जब सारी गोपियों को समझाया तो गोपियां रोने लगी, अभी तक तो ठीक था, वह क्या हो गया। आइए आज कृष्ण भगवान ने क्या लीला रची, जरा सुनिए एक छोटा सा किस्सा। उसके बाद बहुत सारे कलाकार हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। बस इस किस्से को बड़े ध्यान से सुनना, हकीकत का किस्सा है सच्चे दरबार की। एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गया दर्द पेट में भारी, रह गए अकुलाई के, दवा तो कराओ बैद बुलाए के। कन्हैया ने लीला रची थी पेट दर्द का बहाना किया था, इसलिए क्योंकि गोपी ने पूछा था, जितना प्रेम राधा से करते हो हमसे क्यों नहीं करते। इसी का जवाब देने के लिए कन्हैया ने लीला रची पेट दर्द की और गोपियों से बोले, गोपी एक दिन बोले मदन मुरारी, है गया दर्द पेट में भारी, रहे अकुलाई के। अकुलाई के मतलब मरोड़ा मानना, दर्द होना। रहे अकुलाई के और बोले, जाओ गोपियों दवा तो कराओ वैद बुलाए के, कोई दवा तो कराओ वैद बुलाए के। एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी, है गया दर्द पेट में भारी, है गया दर्द पेट में भारी, रहे अकुलाई के, दवा तो कराओ, दवा तो कराओ वैद बुलाए के, कोई दवा तो कराओ वैद बुलाए के। हाथ जोड़कर निवेदन, सब ध्यान से सुनना, ताली बजाओ दोनों हाथ की, राधे राधे। बड़ा छलिया है, जय हो। गोपियों ने तो गोपियों से पहले ग्वाल आ गए, डंडा ले लेकर सुदामा जी आ गए। अरे कन्हैया क्या हो गया, आज कैसे परेशान हो रहा है? तो कन्हैया बोले, पेट में दर्द हुआ है। अब जब ग्वालों ने सुना दर्द हुआ है तो दौड़कर आ गए, सबने घेर लिया कन्हैया को। अरे क्या हो गया, ताली बजाओ। सुना गाल बेगाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, सुना गाल बेगाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए, कन्हैया के पास में आए। क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए, आपस में बतलाए, आपस में बतलाए। सुना गाल बेगाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, अरे क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए। जब ग्वालों ने पूछा तो आ गई गोपियां, ताली बजाओ गोपियों, और बोली, गोपियां पूछ रही है सखियां सारी, 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 सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हालत कैसे भैया तुम्हारी, हालत कैसे भैया तुम्हारी, ये मथुरा का भजन है। गोपी बोली, हालत कैसे भैया तुम्हारी, तुम्हारी सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या।
लिए तुम्हारी, सच बोलो गिरधारी तुम्हें क्या, तुम्हें क्या। जब गोपियों ने पूछा तो एक गोपी बड़ी चंट बैठी तेज, ऐसे घूर के देख रही, अच्छिया अभी तक तो ठीक है, हमारा पागल बना रहा है, अगर तू शेर है तो हम सवा शेर। एक चंट गोपी क्या बोली, ताली बजाओ। सुनकर चतुर सखी एक बोली, सुनकर चतुर सखी एक बोली, सुनकर चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली, गोली से तो ठीक हो जाएगा। मैं बहुत तेज हूँ, अगर तू तेज है तो मैं भी कम ना। एक चतुर सखी ने बोला खड़ी होकर, ताली बजाओ। सुनकर चतुर सखी एक बोली, सुनकर चतुर सखी एक बोली, लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली, दुकान पे जाई के दवा तो कराओ, दवा तो कराओ, दवा तो कराओ, वैद्य बुलाए के कोई, दवा तो कराओ, वैद्य बुलाए के। समझ में आ रहा ना आ रहा, किस किस के समझ में आ रहा है? दोनों हाथ उठाओ, सीधे कर दो और ताली बजाओ मेरे साथ, एक दो तीन जा। सुनिए, घबरा गई, क्या कन्हैया के दर्द है रोए। हाँ जी अंकल जी मेरी सुन ले, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ताली बजाओ। गोपियां घबरा गई, कन्हैया के दर्द है रोए, तो गोपियां पहुंची वैद्य जी के पास, बारिश आ गई, बारिश बारिश बारिश।